जल्दी भी क्यों रहती है? ऑफिस में ऐसा क्या है? अरे यार तुझे नहीं पता मेरा बॉस कितना स्ट्रिक्ट है। वो बस ये सोचता रहता है कि मैं कोई गलती करूं और उसे मुझे ब्लेम करने का कोई मौका मिले। चलना कुछ भी बोलती है, अब मैं चलती हूँ। बाय। तुम्हें एस्टीमेट बनाने कहा था, क्या हुआ? बना के नहीं पिक्चर? सर वो अकाउंट वाले पेपर नहीं ले रहे थे और उन्होंने आज ही पेपर दिया है ना, आपको कल तक बना के। शट अप, जब कुछ काम करता हूँ बहाने बनाती रहती हो। सर मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी सर, मेरी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ, टेंशन क्यों है? बॉस ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा है कि वो मुझे जॉब से निकाल देगा, और अगर वो मुझे जॉब से निकाल देगा तो घर वाले बुला करके मेरी शादी कर देंगे, और शादी के बाद वही बर्तन, बच्चे, फैमिली ड्रामा। ऐसे कैसे जॉब चली जाएगी? इतने मेहनत करने वाले स्टाफ को कोई नहीं निकालता। मेहनत? वो एक मोना है जो दिन भर नेट मटकता करती रहती है, चैट्स करती रहती है, और तुझे पता है उसका प्रमोशन होने वाला है। और एक मैं हूँ, दिन रात मर मर के काम करती हूँ फिर भी कोई फायदा नहीं। टेंशन मत लेने, कुछ नहीं होगा। तुझे पता है मेरी जॉब क्यों नहीं जाती? मुझे प्रमोशन इंक्रीमेंट कैसे मिलता है? तेरी बात कुछ और है। तेरा बॉस अच्छा होगा पर मेरा बॉस अच्छा नहीं है। बॉस सब एक जैसे ही होते हैं, बस उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। अब देख मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, मैं कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सब तो करते हैं, और तू कर लेगी तो कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा? यही तो सक्सेस का शॉर्टकट है डार्लिंग। देख मुझे नहीं चाहिए ऐसी सक्सेस। ठीक है, अगर तुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, घर जाके माँ बाप शादी करा देंगे, बच्चे बर्तन पकड़ के बैठना, ठीक है? अभी तो तेरे ऊपर डिपेंड है, तू सोच। मैं तो चलिए मैं सोनू के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगी। यार मेरे बॉस को बोल तो दिया है, लेकिन सब चीज़ ठीक से हो तो जाएगा ना? सब हो जाएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल भी फिक्र मत कर। यार ये कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में ना, सो तू सच बोल रही है, अच्छे से हो तो जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम ना आती है? बोला ना टेंशन नहीं लेने का, तो बिल्कुल टेंशन ना, सब हो जाएगा। और फिर मैंने बॉस को ना सोनू का एड्रेस बताया, तो ठीक किया ना तुमने? बिल्कुल ठीक किया तूने, जो सोनू का एड्रेस दिया है सब संभाल लेगा सोनू, बस फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। Thank you.
काफी छोटा रूम है, पर अभी मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ। कोई बात नहीं है, अगले महीने तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, जितने चाहे उतने पैसा लेगा तुम, ठीक है? Really, sir? सच में? Thank you, sir, आप बहुत अच्छे हैं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है सर, मैं रेडी होकर आती हूँ। अरे नहीं, ऐसे ही तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अभी तो पूरी रात बाकी, आज की रात का पूरी लाइफ नहीं होता है, बस दो मिनट। ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही है, क्या जरूरत है चेंज करने की? दो मिनट। शादी करना चाहता था और मुझे पढ़ाई करनी थी, करियर बनाना था, तो उसने फांसी लगा ली। फांसी लगा ली? यानी वो था तो? अरे नहीं सर, आप बैठिए तो। क्या कर रही हो? सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे जाने दो। अरे नहीं सर, मेरा प्रमोशन। सर, ये कौन बोला? कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। मैंने बाबा जी से बात किया है, उन्होंने मुझे बताया है कि बस एक बार मैं किसी के साथ संबंध बना लूँ ना तो ये खुद ब खुद चला जाएगा, लेकिन ये किसी के साथ कुछ करने से पहले ही उस लड़के को गायब कर देता है। तुम दूर रहो, मेरी पति पड़ी है, तुम्हें बाबा की पड़ी है। अरे 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 सर रुकिए तो, बस 5 मिनट सर। नहीं जाने दो, सब सब ठीक हो जाएगा सर, बस 5 मिनट सर। नहीं प्लीज प्लीज सर, जाने दो, जाने दो। मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मुझे जाने दो प्लीज, जाने दो। सर मेरे प्रमोशन का क्या होगा? कल तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, एडवांस भी चाहे कितना लेना, मुझे जाने दो प्लीज। निशा समझो तुम, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने, मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो निशा। पर मेरा क्या होगा सर, मोनू से पीछा कैसे छूटेगा? बाबा से तुम पूछ लेना, जो खर्चा आएगा मैं दे दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। पर सर फिर अगर आप यहाँ से आज चले गए ना, मोनू फिर आपको कभी मुझे छूने भी नहीं देगा, छूते ही गायब कर देगा। मैं किसी को नहीं छूंगा, किसी को नहीं छूंगा, अपनी बीबी को भी नहीं छूंगा, प्लीज मुझे जाने दो मोनू भाई। निशा बेटे मुझे जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं किसी को कभी नहीं छूंगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरा बच्चा है, जाने दो मुझे, जाने दो प्लीज, मेरा दिल बैठ रहा है। ठीक है सर, अब अगर मेरी लाइफ में प्यार ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? प्रमोशन मैं कल ही आपके कर दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। Thank you.
चलो ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो और मैं चेंज करती हूँ और फिर मैं चलती हूँ। ऑफिस के लिए जाना है? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन कल प्रमोशन का वो पार्टी तो चाहिए। अरे पक्का, बिल्कुल कल की पार्टी करना। ओके ओके।